फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चटपटी तवा बोटी की रेसिपी। बकरा ईद के दिनों में या आम दिनों में जब आपका कुछ चटपटा खाने को दिल चाहे तो झटपट ये रेसिपी बना लें। बहुत मज़े की बनती है और ये तवा बोटी बिल्कुल नरम मुलायम बनकर तैयार होती है। ये मैंने हाफ के जी बोनलेस बीफ लिया है, जिसे बहुत अच्छे से धोकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप बीफ की जगह मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि थाई पीस का इस्तेमाल करें। इसमें ये मैंने 60 ग्राम चर्बी शामिल की है, जो कि ऑप्शनल है। आप घी या कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये मैंने 3/4 टीस्पून या हसबे जायका नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया। ये मैं 1 टीस्पून ड्राई कच्चे पपीते का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप इसकी जगह 1/2 टीस्पून फ्रेश पपीते का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं या फिर 1 टीस्पून कचरी पाउडर शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, 1/4 कप पिटा हुआ दही, 1 छोटे लीमू का रस शामिल किया है। इसमें ये मैंने 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है, जो कि ऑप्शनल है। अब इन तमाम अज़ा को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और कवर करके फ्रिज में तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है। गोश्त बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है, अब जल्दी से चटखारा तवा बोटी बना लेते हैं। फ्रेंड्स, तवा बोटी बनाने के लिए लोहे का तवा इस्तेमाल करना है, क्योंकि लोहे का तवा मोटा होता है, गोश्त बहुत जल्दी से नरम मुलायम गलकर तैयार होता है। अगर आपके पास हॉट प्लेट मौजूद है तो आप तवे की जगह हॉट प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें इसमें कुकिंग ऑयल या घी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फैट मौजूद है। मैंने इस वक्त फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा हुआ है। तवे पर मैरिनेटेड गोश्त शामिल कर लेने के बाद ये मैंने सिर्फ 1/2 कप पानी शामिल किया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसमें उबाल आ जाने के बाद तवे को कवर कर देना है और जो हमने पानी डाला है और जो गोश्त पानी छोड़ेगा, लो फ्लेम पर खुश्क होने तक पका लेना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद गोश्त को अलट पलट कर लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। ये मज़ेदार चटखारा तवा बोटी बनकर तैयार है। मैं आपको गोश्त भी चेक करके दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा गलकर तैयार हुआ है। वैसे तो ये तवा बोटी रूखी खाई जाती है, लेकिन आप रायते और सलाद वगैरह के साथ, घर की या तंदूर की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी रेड मीट के साथ दही और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, ताकि गोश्त बहुत जल्दी से हज़म हो सके। फ्रेंड्स, मैंने इस तवा बोटी को तवे पर ही सर्व करना है, तो ये मैं सलाद से तवा बोटी को डेकोरेट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरखान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।